आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं शादाब खान। 27 अगस्त 2013, मुजफ्फरनगर में बढ़ते हुए सांप्रदायिक माहौल के बीच दंगे भड़क उठे। 60 से ज्यादा लोगों की जाने जाते हैं, 50,000 लोग बेघर होते हैं। बेघरों को राहत शिविरों में डाला जाता है। इन राहत शिविरों में भी कई लोगों की जाने गई, लेकिन अब तक किसी को इंसाफ मिला? मुजफ्फरनगर दंगों में सुप्रीम कोर्ट के चुने गए वकील विजय हंसारिया ने कोर्ट को बताया है कि यूपी सरकार ने दंगों से जुड़े 77 मामलों को बंद कर दिया है। इनमें वो मामले भी शामिल हैं जिनके तहत दोषियों को उम्र कैद की सजा हो सकती थी। अपनी रिपोर्ट में हंसारिया ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कुल 510 मामले मेरठ जोन के 5 जिलों में 6,879 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। इन 510 मामलों में से 175 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट जमा की गई थी और 170 मामलों को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने CRPC की धारा 321 के तहत 70 मामले वापस ले लिए। सरकार के आदेश में CRPC की धारा 321 के तहत मामला वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि प्रशासन ने पूरी तरह से विचार करने के बाद ही विशेष मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। हंसारिया ने कोर्ट में भी कहा कि इनमें वो मामले भी शामिल हैं जिनमें IPC की धारा 397 के तहत आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि योगी सरकार ने मामले खत्म करने की कोई वजह नहीं बताई है। साल 2018 में दंगों से जुड़े 131 मामलों को खत्म करने की पहल हुई थी जिसमें सभी आरोपी हिंदू थे। हालांकि बाद में योगी सरकार के इस फैसले को चुनौती भी दी गई थी। यूपी में दंगों पर योगी का यह बड़ा फैसला है। मुजफ्फरनगर और शामली में कई ऐसे मामले थे जिसमें केसेस दर्ज थे, वो वापस लिए जा रहे हैं। 2013 के दंगों से 31 ऐसे केसेस हैं जो कि वापस लिए जाएंगे। हत्या के 13 हैं, हत्या की कोशिश के 11 मामले वापस हो रहे हैं, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जानकारी आगे। और दंगों में जिन आरोपियों के केस वापस हो रहे हैं वो सब हिंदू। पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश ने उन नेताओं की लिस्ट भी तैयार की थी जिनके खिलाफ मामले वापस लिए जा रहे थे। इस लिस्ट में भाजपा के 3 विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव और साध्वी प्राची भी शामिल थी। अब तो योगी सरकार ने 77 मामले वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये कोर्ट की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। हंसारिया ने रिपोर्ट में कहा है कि इन 77 मामलों के वापस लिए जाने को उच्च न्यायालय जांच सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी